हेलो एवरीवन एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वेलकम टू यूट्यूब आवर यूट्यूब चैनल। चैनल। और इस और इस पटवारी बैच पटवारी में बैच शुरू में शुरू करते हैं करते हैं आज के आज के हिंदी के हिंदी के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का क्वेश्चनों का डिस्कशन। डिस्कशन। तो तो आज हम आज हम हिंदी हिंदी में में वर्ण वर्ण विचार के विचार बारे के में बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तो तो पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, शब्द की शब्द की सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई इकाई क्या क्या कहलाती है? कहलाती है? तो तो शब्द की शब्द की सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई इकाई शब्द की शब्द की सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई जो इकाई वर्ण जो वर्ण कहलाती है। कहलाती वर्ण है। वर्ण मतलब मतलब शब्द शब्द ध्वनि ध्वनि होती है, होती और है, हिंदी और में हिंदी कुल में कुल बावन वर्ण 52 वर्ण होते होते हैं, हैं, और और स्वरों की स्वरों की संख्या संख्या 11 11 होती है, होती है, और मूल और वर्णों मूल की वर्णों की संख्या संख्या 33 33 होती होती है। है। दो अयोवा अयोवा होते हैं, होते हैं, अयोवा अ अयोवा और आ और की आ की वर्ण की वर्ण ध्वनि की ध्वनि निकालते हैं, निकालते हैं, और और दो दो द्विगुण होते द्विगुण हैं ड होते हैं, और ड ढ और ढ, और चार चार संयुक्त संयुक्त होते हैं, होते छ हैं, त्र क्या असर, जो जो कि ये कि काफी काफी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट इतने है इतने सेक्शन, सेक्शन, क्योंकि क्योंकि ये हर ये हर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से ऑफ व्यू पूछे से पूछे जाते हैं। जाते हैं। तो इसका एक इसका बार एक फिर से बार आंसर फिर से देते हैं, आंसर शब्द देते की हैं, सबसे शब्द की छोटी सबसे इकाई क्या छोटी इकाई क्या कहलाती है? कहलाती है? तो ये तो ये कहलाती है कहलाती है वर्ण, वर्ण, और और हिंदी में हिंदी में बावन बावन वर्ण वर्ण होते हैं, होते हैं, और और 11 जो 11 कि जो कि स्वर स्वर होते हैं, होते हैं, और और दो दो अयोवा अयोवा होते हैं, होते और हैं, मूल और वर्णों मूल की वर्णों की व्यंजनों की व्यंजनों की संख्या संख्या 10 होते, 33 33 33 होती है, होती है, और चार जो चार होते हैं जो होते हैं संयुक्त में संयुक्त में संयुक्त वर्ण संयुक्त होते वर्ण हैं। होते हैं। उसके बाद उसके बाद दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आते हैं, आते हैं, भाषा भाषा की की मूल मूल इकाई इकाई क्या क्या है? है? तो तो भाषा की भाषा की मूल मूल इकाई इकाई जो कि जो कि ध्वनि है। ध्वनि है। उसके बाद उसके बाद तीसरे क्वेश्चन तीसरे पे आते क्वेश्चन हैं, पे आते वर्णों हैं, के वर्णों के समुच्चय को समुच्चय क्या को क्या कहते हैं? कहते हैं? तो वर्णों तो के वर्णों के समुच्चय को समुच्चय को वर्णमाला वर्णमाला कहते कहते हैं, हैं। और वर्णमाला वर्णमाला सब सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई इकाई होती है, होती है, जिसे ध्वनि जिसे भी ध्वनि कहा भी कहा जाता है। जाता है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आते हैं, आते हैं, और नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे वर्णमाला कहते किसे हैं? कहते हैं? तो तो वर्णमाला मतलब वर्णमाला मतलब व्यवस्थित वर्ण व्यवस्थित समूह वर्ण को समूह कहते को हैं, कहते हैं, और और हिंदी में हिंदी वर्ण में वर्णमाला में कुल वर्णमाला में कितने कुल होते कितने हैं? तो होते हैं? तो 52 52 होते वर्ण हैं, होते हैं, स्वरों की स्वरों संख्या की संख्या 11 11 होती है, होती मूल है, मूल व्यंजनों की व्यंजनों की संख्या संख्या 33 33 होती होती है। हिंदी हिंदी भाषा में भाषा कुल में कुल वर्ण की वर्ण की लिपि क्या लिपि है? क्या है? तो तो लिपि जो लिपि कि जो कि 52 है, बावन है, वर्णों वर्णों वर्ण वर्ण लिपि लिपि हिंदी हिंदी भाषा की भाषा की लिपि में लिपि में अगर अगर पूछे तो पूछे तो 52 है, बावन है, वही वही इंग्लिश इंग्लिश भाषा में भाषा में पूछे तो पूछे तो 26। 26 तो इसको इसको याद याद करने का करने का तरीका, जैसे तरीका क जैसे वर्ण को में वर्ण में 5 हो पांच गए, हो गए, और और पहले तो पहले जो तो जो स्वर स्वर आते हैं, आते हैं जैसे जैसे इंग्लिश में इंग्लिश में भावे भावे लाते हैं, लाते हैं, भावेल भावेल इंग्लिश में क्या इंग्लिश में होते क्या हैं? होते तो हैं? ए ए ई आई आई ओ यू यू होते हैं, होते हैं। वैसे ही वैसे ही सेम सेम हिंदी में हिंदी में स्वर स्वर होते हैं, होते हैं, ओ आ अ आ ई ई उ उ री री ए आई ए आई ओ, ओ, मतलब मतलब 11 11 स्वर स्वर होते हैं, होते हैं, और और ओ अ आ आ और और आ आ नहीं आए, नहीं आए, इसका इसका मतलब क्या मतलब है? क्या ओ है? ओ दोनों दोनों अयोगा है, अयोगा है, और स्वर की स्वर की संख्या संख्या जो कि जो कि ए 33, 33, स्वर की स्वर की संख्या संख्या 11 ग्यारह है, है, और और कुल तो कुल वर्णों की वर्णों की संख्या संख्या 52 है। बावन है। जैसे कि जैसे कि संयुक्त संयुक्त व्यंजन क्या व्यंजन होते क्या हैं? होते हैं? संयुक्त संयुक्त व्यंजन क्या व्यंजन होते क्या हैं? होते सबसे हैं? पहले सबसे ये पहले ये समझते हैं। समझते हैं। तो तो संयुक्त संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते वो हैं जो होते हैं दो जो दो चीजों को चीजों को जोड़ के जोड़ बनाए के जाते बनाए हैं, जैसे जाते हैं, छ जैसे है, छ है, तो छ तो को छ को कितने जोड़ कितने के जोड़ के बनाया बनाया गया गया है? मतलब मतलब छ, छ यानी यानी हिंदी का हिंदी छ का छ वर्ण का वर्ण जो का जो दूसरा अक्षर दूसरा होता है अक्षर होता है च, च, ख, छ और छ, और और यहाँ को यहाँ जोड़ को के जोड़ बनाया के जाता बनाया है। जाता है। त्र 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 को को भी भी दो दो वर्णों से वर्णों जोड़ से के जोड़ बनाया के जाता बनाया है। जाता है। अयोगा अयोगा क्या क्या होते हैं? होते तो हैं? तो अयोगा अयोगा दो दो होते हैं, होते हैं, और और आ, और और द्विगुण ड द्विगुण ड ढ इस तरह इस से तरह से मिलाकर मिला के टोटल टोटल 52 बावन होते हैं। होते हैं। उसके बाद हिंदी में हिंदी में ध्वनि ध्वनि कितने कितने प्रकार की प्रकार की होती है? तो होती है? तो हिंदी में हिंदी में ध्वनि दो ध्वनि दो प्रकार की प्रकार की होती है, होती है, एक स्वर की स्वर और की एक और एक व्यंजन की। व्यंजन की। जैसे जैसे इंग्लिश इंग्लिश में में वावेल वावेल होता है होता और है और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होता है, होता है, वैसे ही वैसे ही वर्णों में वर्णों में कितने भेद कितने होते भेद हैं? तो होते हैं? तो वर्णों में जो वर्णों में भेद जो होते भेद हैं होते हैं दो होते दो हैं, होते निम्नलिखित में से से उच्चार उच्चार स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से होती है होती है, वो वो होता है होता है स्वर स्वर कहलाता है। कहलाता है। जिन वर्णों में वर्णों में उच्चारण में उच्चारण में स्वतंत्र स्वतंत्र उच्चारण उच्चारण स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है होती उन्हें है उन्हें कहते हैं, कहते तो हैं उन्हें तो कहते उन्हें हैं कहते स्वर। हैं। हिंदी हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में स्वरों की स्वरों की संख्या संख्या कितनी है? कितनी है? तो हिंदी तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में स्वरों की स्वरों की संख्या संख्या 11 है, 11 है। और ओ और और आ आ हमेशा याद हमेशा याद करना है कि करना है ओ कि ओ और आ जो आ है जो है वो क्या वो है? है तो ओ तो है, ओ है ओ है अयोवा। अयोवा। कौन सा कौन सा स्वर स्वर नहीं है? नहीं है? तो ओ तो ओ ए ए उ उ और या, तो या तो या जो या जो शब्द है शब्द है ये स्वर ये नहीं स्वर है, नहीं है। ये क्या ये है? क्या तो है? ये तो ये व्यंजन है। व्यंजन है। तो इसको इसको व्यंजन की व्यंजन तरह की तरह ठीक ठीक करेंगे, करेंगे। जो डी जो डी ऑप्शन है ऑप्शन है इसका इसका करेक्ट हो करेक्ट हो जाता है। जाता कौन सा कौन सा स्वर स्वर नहीं है? नहीं है? ए आई ए आई उ उ औ ब औ में ब तो में ब तो जो ब कि जो कि स्वर स्वर नहीं है। नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन से सा कौन सा मूल मूल दीर्घ दीर्घ स्वर स्वर नहीं नहीं है? है? तो तो ए है ए है डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। संयुक्त संयुक्त
जैसे अ और ई को जोड़ के ई बना है, ए को जोड़ के अ और ए को बना है, इस तरह से मूल स्वर बनते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ मतलब बड़ा, तो ई जैसे है ए बड़ा हो गया। जैसे अपन संधि में पढ़ते हैं तो दीर्घ स्वर संधि, यानी जब अ और आ को मिलकर हमेशा बड़ा दीर्घ हो जाता है इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है जो ए ऐ ओ है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो कि तीन प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर अ ई उ हो गया और दीर्घ स्वर यानी अ ई उ ए ऐ हो गया। उसके बाद तीसरा कौन सा होना चाहिए? तो प्रलुप्त स्वर होना चाहिए। प्लुप्त स्वर यानी तीन अंक। तो मात्रा के आधार पर कितने स्वर है? तो तीन हो गए। और ऐसे नॉर्मल पूछे तो स्वर 11 हो गए, और अयोगवा कितने हो गए? तो दो हो गए। वर्ण तालिका के अनुसार स्वर्ग और दीर्घ प्लुप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ईश्वर होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं ह्रस्व दीर्घ और ए, इस तरह से। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर ही बोल सकते हैं, तो उच्चारण के आधार पर तीन होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र अग्र मतलब जो आगे की जिह्वा को बोली जाती है, मध्य मतलब जो बीच की जिह्वा का यूज किया जाता है, और पश्चिम मतलब पीछे की जिह्वा का अ आ वो। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? तो बी यानी ए हो गया। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं, तो वे क्या होते हैं? जिनकी ध्वनि मुख केवल मुख से निकलती है उन्हें निरानुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे ड र न म। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है पश्व संवृत है। उसके बाद ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत मुखी स्वर है? तो ए है ई। निम्न में से कंठस्थ वर्ण कौन सा है? तो कंठस्थ वर्ण जो जिसका उच्चारण कंठ से किया जाता है, तो ओ है अ। ओष्ठ कौन सा ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, तो ए है आ। ओष्ट वर्ण कौन से हैं? तो ओष्ट वर्ण है उ। तो इस तरह से जैसे कंठ से उच्चारण क्या क्या किया जाता है? और आ का, तालु से ई और ई का, मूर्धा से री, ओष्ट से उ और बड़ा उ, कंठ ताल से ए और ऐ, ओष्ठ से कंठ ओष्ठ ओ और, इस तरह से ये उच्चारण रहता है। तो आज के वीडियो में हमने 27 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, और जो काफी वर्णमाला के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो को आपका आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।